can start. Okay, good morning, students. Coming Sunday, you have got the test of science SST. Okay, आपको नोटिस मिल गया अभी तुरंत. You have got this notification right now. मैंने अपने क्लास के ग्रुप में सेंड किया है. Even class 4 के all group में सेंड कर दिया गया है. You have got your science SST test this Sunday. मिल गया, पढ़ लिया आप लोगों ने नोटिस. Okay, now tell me one thing. मैंने दिया है आपका क्वेश्चन फॉर साइंस लेसन 1 and 4. डोंट गेट कंफ्यूज 1, 2, 4. स्पेसिफिकली लिखा है उसमें यू हैव टू रिवाइज लेसन 1 and 4. ये इसलिए किया गया ताकि हमने एक बार लेसन 2 का टेस्ट हो चुका है, 3 का हो गया है, 2, 3 मिला के हो गया है और 4 भी हो गया. तो हम 1 और 4 का एक बार दोबारा से ले लेंगे, आपका रिविजन चलता रहेगा. ठीक है, समझ में आ गया. तो द टेस्ट इज ओनली फ्रॉम लेसन 1 and lesson 4. और आने वाले ये 3 दिन, मतलब आज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, विल कंप्लीटली डू द रिवीजन. साथ में हम अपना क्लास 5 लेसन 5 का कुछ बचा हुआ वो करेंगे. हम नया लेसन शुरू नहीं करेंगे. ठीक है, नया लेसन इसलिए शुरू नहीं करेंगे क्योंकि उतना फास्ट जाने का कुछ बन नहीं रहा है. विल डू द रिवीजन. अब हम यहाँ कर रहे हैं क्या, हम इस 3 दिनों में विल डू 3 different activities. We'll do 3 different activities. ठीक है, एक दिन हम क्विज करवाएंगे. ठीक है, एक दिन मैं आपको 1-word answers बोलूंगी, आपको फटाफट उसको लिखने हैं और आपके स्क्रीन शेयर करने उसे. ठीक है, ओके. और एक दिन हम लोग लेसन 1 and 4 दोनों मिला के रिवीजन करेंगे. तो अभी हम लोग करेंगे बीक्स एंड क्लॉज का रिवीजन, जो हम लोग लेसन 5 का कर चुके थे वो हम लोग करेंगे. पहले उसको करने के बाद विल डू अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ लेसन 4. सबके पास अपनी रफ कॉपी होनी चाहिए. टेक योर रफ कॉपी, पेंसिल एंड इरेजर. यहां एवरीबडी क्या करेंगे बताया, बताते हैं हम. जैसे मैंने 2 question पूछे, ठीक है, 2 question पूछे, झटपट आपको आंसर लिखना है. आपको झटपट आंसर लिखना है. यू हैव टू राइट आंसर वेरी फास्ट. ओके, उसके बाद स्क्रीन में मुझे जो बच्चे दिख रहे हैं और जो मुझे साइड में दिख रहे हैं, मैं उनमें से किसी भी 2 बच्चों का नाम लूंगी. वो 2 बच्चे मुझे आंसर बताएंगे और जो लिखा है उससे मैं मैच करवाऊंगी. ठीक है, अच्छा समझ में नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, एक बार शुरू करेंगे तो समझ में आ जाएगा. उसके पहले वो बच्चे हाथ उठाएंगे, अभी अभी तुरंत वो बच्चे हाथ उठाएंगे जिनसे इस क्लास में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जिनसे मैंने अभी तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. पहले वो बच्चे हाथ उठाए, रेज योर हैंड. आयुष कुमार 4A, कभी नहीं पूछा, रोल नंबर 2. ऐसा तो नहीं आयुष. अदिति झा 4A, कभी नहीं पूछा. ओके, मोहित राज 4E. एनीबडी एल्स जिसको मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पूछा. ओके, आउट ऑफ 68 स्टूडेंट्स 3 बच्चे मुझे ऐसे मिले हैं जिनसे मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं. 4 रश्मि कुमारी 4B, मैंने आपसे नहीं पूछा रश्मि. मैंने मुझे याद आ रहा है मैंने आपसे पूछा है आपका उस दिन प्रॉब्लम था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी. शानवी राज 4C, ये तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि 4C इसका नहीं पूछा होगा. ओके, बस ये बच्चों से मैं पहले पूछूंगी, ध्यान रहे ये बच्चे पहले तैयार होंगे आंसर्स के साथ. एंड आई थिंक हमारे बच्चे सारे बहुत ऑनेस्ट हैं, तो यू विल नॉट टेक द हेल्प ऑफ योर बुक. सो क्लोज योर बुक, एवरीबॉडी क्लोज योर बुक. हो गया, हैव यू क्लोज योर बुक्स? दैट्स लाइक गुड स्टोरी. ओके, very good, you have closed your book. Now I'm having the questions in my mobile, so let me open my mobile also. Okay, kya karenge hum log, sare bacche pen pencil se taiyar hai, everybody is ready with your pen and pencil. Shanvi Raj to haath rakhi, Ashutosh haath utar diya ki unse pucha nahi jaye, very good. Aur Mohit Raj ne hataya hua hai. दो लोगों ने हाथ नीचे कर लिया. नो, ये नहीं चलेगा, विल नॉट गो. कौशिकी पेंसिल मुझे दिखा रही है, क्यों बेटा?
चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज नेम द बर्ड्स नेम टू बर्ड्स अदिति झा लिखना शुरू करो नेम टू बर्ड्स दैट हैज क्रशिंग बीक नेम टू बर्ड्स दैट हैज क्रशिंग बीक चलो लेट मी स्टार्ट काउंटिंग हम 10 काउंट करेंगे उसके बाद हम पूछेंगे एक और क्वेश्चन वन मोर क्वेश्चन नंबर टू नेम टू बर्ड्स विथ पियर्सिंग एंड टियरिंग बीक Name two birds with piercing and tearing beak. Okay, let me start counting. One, two, three, four, five, six, seven. 8, 9, 10. Stop writing. Okay, Aditi Jha, unmute करो बेटा, जल्दी से. पहला, बताइए. मैम. बोलिए 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 crushing भी. मैम. बोलो. मैम पीस बोलो अदिति वी कैन नॉट स्पीक इट एक्सप्रेस एंड टाइम ऑन इट जल्दी बोलो मैम पीजन स्पैरो ओके डन सही है जल्दी बताओ सही है तो स्क्रीन में थम्स अप कितने लोग कहते सही है कितने लोग कहते द आंसर इज राइट ओके रेश कौश की एवरीबॉडी यस इट्स अ राइट आंसर स्पैरो एंड पिजन दिस इज द राइट आंसर क्रशिंग बीक ओके म्यूट करो अपने आप को मोहित राज अनम्यूट योरसेल्फ मोहित राज अनम्यूट योरसेल्फ मोहित राज कैन यू हियर मी गिव द आंसर नेक्स्ट वॉज यू हैव टू नेम द टू पियर्सिंग एंड ट्यूरिंग बीक बर्ड्स विद टू बर्ड्स विद पियर्सिंग एंड ट्यूरिंग बीक मोहित राज इज नॉट सेइंग एनीथिंग आई कैन नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन हिम शानवी राज शानवी म्यूट करो अनम्यूट करो सॉरी अनम्यूट योरसेल्फ शानवी राज Ma'am, eagle and vulture. Okay, again, is it right? How many of you say that eagle and vulture? Sare log turant de diya, thumbs up. Yes, it is a right answer. Piercing and tearing beak. Eagle, vulture, hawk. These are the right answers. Okay, mute yourself, Sanvi. Now, next. अनम्यूट करो अपने आप म्यूट कर लो अपने आप को वेरी गुड सानवी वेरी गुड ओके द नेक्स्ट आंसर्स हम रैंडमली पूछेंगे ध्यान रहे सारे बच्चे लोअर योर हैंड्स ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड्स हाथ नीचे कीप योर हैंड्स डाउन ताकि मुझे दिखे कीप योर हैंड्स डाउन हाथ नीचे जल्दी जल्दी मेक इट फास्ट आप तो अपना मोबाइल हैंड कर रहे हैं मुझे आप सबको दिखना पड़ रहा है नेक्स्ट Ready? 1, 2, 3, start. Name any one bird which has got chiseling beak. You write only the answer. Name only one bird which has got chiseling beak. And number four, name a bird with sifting beak.
नेम अ बर्ड विथ शिफ्टिंग बीक. ओके श्रेयांश ने सबसे पहले हाथ उठाया ऑन स्क्रीन. ही वाज ऑन एयर. यस चलो श्रेयांश तुम ही उड़ो जाओ. अनम्यूट करो अपने आप को. मैम वुडपेकर. ओके वुडपेकर. अनिद्या अनिद्या अनम्यूट योरसेल्फ. क्या ये सही जवाब है? यस मैम. क्या ये सही जवाब है? यस मैम. कैन यू गिव अनदर? मैम वुडपेकर. कोई और बर्ड? मैम चिजलिंग बिग. ओके वुडपेकर है. ओके and the next question was shifting bee. chalo aap mute ho jao. mute ho. shifting bee. manas jha. manas jha shifting bee bolo. manas jha 4e. name a bird which has got shifting bee. manas unmute yourself. I don't know what is the problem with you people. Manas Jha. Ayush Kumar 4A. Unmute yourself. Shifting beak. Ayush Kumar 4A. आपने फिर अपने आप को म्यूट कर लिया. अनम्यूट करके जवाब दो. Mom, I don't know. You don't know what is which bird has got shifting beak? What do you do at home then? Do you study at home? Ek hi bird ko shifting beak hai. Kisko hai? Let me see if somebody else can give the answer. Grishan, Molly, can you give this answer? Molly, can you give this answer? I have unmuted you. Bolo. Girishar, am I audible to you, beta? Boli. Ashutosh Kumar, bolo. Ashutosh. What happened? Who will answer this question? Jaldi jaldi bolo. Ma'am, maine aapko unmute kiya tha beta. Ma'am, duck. Yes, ma'am. Ma'am, the answer is duck. Okay, answer is duck. Right. Answer is duck. Right. Yes. So the third question was. Bird which has got chiseling beak is woodpecker, and the bird which has a chiseling beak is called. Now tell me one thing. Tell me one thing. Krishan, मैं को mute करो. अपने को mute करो. Okay. मुझे आप ये बताओ. सत्यम झा, unmute करो अपने आप को. मुझे ये बताओ कि what is the speciality of shifting beak of duck? Duck की shifting beak की क्या speciality है? Ma'am. मैम उसके मैम मैम ये दोनों तरफ एक छेद रहता है. वो जो है वो मड और पानी को बाहर निकाल के वो इंसेक्ट को अपने माउथ के अंदर रख लेता है फिर उसको खा जाता है. कितने लोग कहते हैं कि सत्यम झा ने सही जवाब दिया? हाउ मेनी ऑफ यू से द सत्यम झा गेव द राइट आंसर? किसने एक ने हाथ रहा है और कोई? Give a thumbs up. Give a thumbs up if you think that he has given the right answer. Aditya Raj Singh, two bachche nahi abhi tak. Priyesh, tumhe kya lagta hai? Satyam ne sahi jawab kya hai? Priyesh, what do you think? Yes, ma'am. मैम अच्छे सही जवाब है लेकिन मैम थोड़ा सा और अच्छा कर दे तो और अच्छा रहेगा. जैसे कि मैम उसके दोनों
मैम उसके दोनों तरफ ना करते, वह तैरते रहते तो अपने मड और वाटर जो रहते वो अपने माउथ में सारे भर लेते, उसके अपने दो जो छेद रहते उसमें से ना मड और वाटर को अलग कर लेता, अपने खाने को मुंह में रखे रहता है और खा लेता है। सारे बच्चे प्रियेश और सत्य दोनों के लिए क्लैप दो, सारे बच्चे प्रियेश एंड सत्यम सबके लिए दोनों के लिए क्लैप करो। सत्यम हैड गिवन द राइट आंसर एंड प्रियेश हैज आल्सो गिवन द राइट आंसर। सही बात है, दे हैव गॉट अ ब्रॉड बीक, इनके दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वो छेद होते हैं स्मॉल होल्स, हम उसे नॉस्ट्रिल्स कह सकते हैं। चलो दे हैव गॉट स्मॉल होल्स ऑन देयर बीक, जब वो ले अपना खाना लेते हैं मिट्टी और कीचड़ में से तो साथ में मड भी निकलता है और पानी भी निकलता है, तो ये मड यानी कीचड़ और पानी को इस नॉस्ट्रिल से बाहर निकालते हैं और जो फूड उसे खाना होता है वो उसको अंदर रख लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट आंसर सत्यम, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, म्यूट कर लो प्रियेश, म्यूट करो सत्यम, वेरी गुड। अमर दुबे तैयार हो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, अमर दुबे तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे बट अमर दुबे जवाब देगा, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ वेडिंग बर्ड्स, हम किसको कहते हैं वेडिंग बर्ड्स, इसकी क्या स्पेशलिटी है बताओ, कैसे बर्ड्स को वेडिंग बर्ड्स कहते हैं और इसकी क्या स्पेशलिटी। अमर दुबे मैं तुमसे क्वेश्चन की हूं, क्या हो क्या रहा है, क्यों इतना हाथ हिला रहे हो, व्हाट इज व्हिच बर्ड्स आर कॉल्ड वेडिंग बर्ड्स एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ इट, क्या इसकी स्पेशलिटी है। यू कैन नॉट सिट लाइक दिस, आप ऐसे बैठ नहीं सकते अगर आपको नहीं आता, बिकॉज ये आपका रेगुलर क्लासेस नहीं है कि मैं आपको बोल के शांत हो जाऊं, मुझे बाकी लोगों से भी पूछना है। अमर दुबे डू यू नो दिस आंसर, डू यू नो दिस आंसर और नॉट, यस और नो, आप हाँ या ना बोल सकते हैं। यस मैम। तो बताइए आता है आपको जवाब। No ma'am. तो आगे बढ़िए, बोलिए नो मैम, यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ अदर्स आल्सो, नो मैम, तो तैयारी कीजिए इसकी, पढ़िए इस क्लास लेसन को, इस बार प्रेजेंट के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। सृष्टि यादव, आरती कुमारी, फोरी ऑल मेटी, चलो बोलो। यस मैम। बोलिए बेटा। मैम आई डोंट नो। बोलिए बेटा। यू आल्सो डोंट नो, ऐसे कैसे। कैसे आपको नहीं पता, आप पढ़ते नहीं है क्या आजकल, आप आजकल किसको वेडिंग बर्ड्स कहते हैं आपको नहीं पता। जय भारत ने हाथ उठाए, ओके जय भारत बोलो, जय भारत ने हाथ उठाए, ओके जय भारत बोलो। मेरी आवाज इको हो रही है क्या, मेरी आवाज इको हो रही है क्या, जय भारत बोलो बेटा, आप इनम्यूटेड है। Ma'am, the crane and jacana have long legs which help them to walk in water. And what is the speciality? ये लंबे पैर का क्या speciality है? They help them to walk in water. They help them to walk in water. कुछ थोड़ा incomplete लग रहा है, कौशिकी इसको पूरा करेगी। कौशिकी पूरा करोगे बेटा, पूरा करो उसको, कौशिकी वंशिका शर्मा विल यू अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम बोलिए।
What is the specialty of the long legs of Crane and Jacana? The long legs help them to walk on the water and does not allow the water to make their body wet. Very good. Excellent answer. Excellent. Yes. The long legs or the long feet of Crane and Jacana help them to not make their body wet. They can walk on the water, mud, without getting their body wet. Absolutely right answer. Very good. Unmute yourself. Udhav Chokhani. Udhav Chokhani. Can you hear me? Udhav, am I audible to you? Udhav. Udhav. He is there, but he has not got his videos on. The main problem is do not keep your videos on. Sare bache video on rakhe, please. Main aapse baar baar bol rahi hu. Okay, Arpita, what's it there? Arpita, unmute yourself. Arpita, unmute yourself. Arpita, unmute yourself. Okay. Yes. Okay, now next. Name three birds with probing beak. Video on rakho. Video on karo. किसके इस बच्चे की क्या आवाज आ रही है? बेटा बोलो जल्दी से. कौशिकी अपने आप को म्यूट करो. अर्पिता जल्दी बोलो. अर्पिता ने म्यूट कर लिया. दिस इज द वेरी बैड हैबिट. आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप म्यूट कर लेते हैं. आयदे फोरे विल आशा. आशा अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. Unmute yourself. Okay. Name the birds with probing beak. Name the bird with probing beak. Ma'am, meko please answer baar baar boli. Kya boli? फिर से बोलो. आंसर एक बार बोलिए. आंसर. आंसर. तुम बोल क्या रही हो? व्हाट डू यू वांट टू से? मैम क्वेश्चन. 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 तुम बोल रही हो आंसर फिर एक बार बोलिए. क्वेश्चन इज नेम द बर्ड्स व्हिच हैज गॉट प्रोबिंग बीक. मैम बस क्लियर नहीं है. आवाज बहुत क्लियर है आपकी. जब आ रही है तो मेरी भी आ रही होगी आपके पास. नेम द बर्ड्स व्हिच हैज गॉट प्रोबिंग बीक. मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही. आज तक मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है. आ गई ना. अच्छा बोलो. नेम टू बर्ड्स विथ प्रोबिंग बीक. नेम टू बर्ड्स विथ प्रोबिंग बीक. हाउ मच टाइम आर यू टेकिंग प्रोबिंग बीक. आशा अब आप पढ़ाई पे ध्यान दें. अब आप लोग पढ़ने पे ध्यान दें. मैम सनबर्ड. व्हाट इज इट? फिर से बोलो. सनबर्ड. वन बर्ड. सनबर्ड. ओके यस सनबर्ड. और हु? ओके सनबर्ड एंड हु. आप बताइए क्या स्पेशलिटी है. क्या कैसे बीक होती है उनको. प्रोबिंग बीक बर्ड्स को कैसे बीक होती है. आपने सनबर्ड और हुक कहा तो इनकी बीक कैसी होती है.
मैम जय भारत हाथ उठाए हुए हैं। आस्था आप पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई नहीं देरी कर रहे हैं आजकल मुझे दिख रहा है। अनिध्य प्रदेशी बोलिए, कैसी भीख होती है? अपने आपको म्यूट करो। अनिध्य कैसी भीख होती बेटा? Probing birds have long and slender beak. Okay, they have got long and slender. बहुत पतली सी भीख होती है ताकि वो they can suck nectar or peck the insects, है ना? Very good. अनिध्या म्यूट करो अपने आप को। शिवेश 40 नेम टू पर्चिंग बर्ड्स। म्यूट करो, अनम्यूट करो। नेम टू पर्चिंग बर्ड्स बताओ बेटा। हम किनको पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं पहले ये तो जानना पड़ेगा हमें। यू रिमेम्बर? Shivesh, if you don't know, you say, ma'am, I don't know. I don't remember. I don't remember. But this is very bad. Mute yourself. Chitrang Srivastava. Two perching birds. Two perching birds. Ma'am, I don't know. सत्यम जहा बोल रहे हो पीछे से, दिख रहे हो यहाँ से सभी को? आदित्य राज टू पर्चिंग बर्ड्स, आप म्यूट करें अपने आप को। चित्रांश बोलो, चित्रांश आदित्य राज मैम ईगल एंड वल्चर पर्चिंग बर्ड। जल्दी बोलो मैम, ईगल एंड वल्चर नहीं होगा? कैसे होगा, पर्चिंग बर्ड है वो पियर्सिंग बर्ड पीक है। हमने पर्चिंग कहा जो आदित्य राज बुक देख रहा है, मुझे दिख रहा है, आई कैन सी यू, आप बुक से कंसल्ट कर रहे हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। संजना अनम्यूट करो अपने आपको, तुम म्यूट करो आदित्य। Two perching birds. Sanjana, unmute करो अपने आप को। Sanjana, two perching birds बोलो। Sparrow, crow and pigeon. Sparrow, pigeon, etc. Very good. Now tell me कि क्या speciality है उनके toes की? कैसे toes होते हैं? साक्षी कुमारी कितने लोग को लेकर? साक्षी कितने बच्चों के साथ बैठे हो? एरम साधिया, एरम बोलो, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द टोज ऑफ पर्चिंग बर्ड्स? संजना म्यूट करो, एरम बोलो। फिंगर दो होते हैं। एरम साधिया फिर से बोलो, बोलो, गिव द आंसर अगेन। बोलो अमृत ओझा, म्यूट करो अपने आपको। अमृत ओझा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। पर्चिंग बर्ड की स्पेशलिटी क्या होती है? मैम दे कैन टियर द फ्लैश। बच्चे द क्वेश्चन वॉज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ पर्चिंग बर्ड? पर्चिंग, दे कैन पर्च, याद है मैंने कहा है पर्चिंग वो बर्ड्स होते हैं, पिजन एंड स्पैरो, दे कैन होल्ड देयर क्लॉज विद देयर, दे कैन होल्ड द ब्रांचेस विद देयर क्लॉज
एंड दे कैन स्लीप. अमृत हो जाओ, वीडियो ऑफ मत करो, कीप योर वीडियो ऑन. गलत बात है एकदम. मैम आपका आवाज में आवाज आ रही है बेटा, एकदम क्लियर आ रही है, सुन रही है. यहाँ पे मेरा यहाँ पे बैंड भी आ रहा है. चंद्रभूषण अनम्यूट योरसेल्फ. अब हमारे पास समय बहुत कम है, वी हैव गॉट ओनली 5 मिनट्स. चंद्रभूषण अनम्यूट योरसेल्फ. अमृत हो जा, म्यूट करो बेटा. चंद्रभूषण कहाँ गए? आराध्या वर्मा अनम्यूट करो. आराध्या वर्मा अनम्यूट करो. अनम्यूट करो. यस मैम. बेटा बैठ के नहीं पढ़ते, चलते थे घर में, पढ़ाई करते. नो मैम, वो थोड़े मैम मैम मैं वाटर पीने गई थी एक मिनट के लिए. मैम मैं लिख रही हूँ, देखिए. ओके नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है. नेम द बर्ड्स ऑफ प्रे. ओके मैम. नेम द बर्ड्स ऑफ प्रे. मैम वल्चर एंड ईगल. ओके वी वल्चर ईगल व्हाट इज द बर्ड्स ऑफ प्रे. टेल मी व्हाट टाइप ऑफ फीट डू दे हैव. बोलो मैम. व्हाट टाइप ऑफ फीट डू दे हैव. व्हाट कैसे क्लॉज होंगे उनके? मैम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. ओके दे हैव गॉट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग फीट. दे हैव गॉट स्ट्रॉन्ग फीट विद शार्प क्लॉज, इजंट इट? दे विल बी हैविंग hard with strong claws because they have sharp claws, because they have to carry the prey along with and they will fly. So, वो उड़ रहे होंगे, they will have to carry the prey. याद आया वारदिया? चूंकि उसे कैरी करना होगा अपने प्रे को भी, so they have, they need to have, they need to have strong feet and sharp claws. करते हैं. यस मैम. आंसर इज राइट. नाउ नाउ लिसन टू मी एवरीबॉडी. सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे. अभी मेरे पास अभी सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड का समय है. मैं अब किसी से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछने वाली हूँ. मैं 2 चीजें आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने अभी आपको रोका है. ये 2 चीज आपके लिए क्या है? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बहुत बच्चे रोल नंबर गलत लिख रहे हैं, आपको फिर बता दें रोल नंबर सही लिखेंगे. और कल का जो क्लास होगा वो लेसन 1 का रिवीजन होगा. एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? सारे बच्चे सुन रहे मेरी बात को? ओके मैम. कल हम लेसन 1 का रिवीजन करेंगे. yes, और क्विज करेंगे. आई विल बी हैविंग 50 questions विद मी. 50. माइंड इट, ये 50 questions मेरे साथ रहेंगे और आपको मैं 50 questions 20 मिनट्स में बोलूंगी. पहला 20 मिनट्स मैं लगातार सिर्फ क्वेश्चन लिखवाऊंगी, आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं, ओनली द आंसर्स. एम आई क्लियर? सारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? जितने भी क्वेश्चंस हो कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को निकाले हम. आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, या ये तो वन वर्ड हो सकता है या फिर सेंटेंसेस में हो सकता है, ठीक है ना? और नेक्स्ट 10 मिनट्स जो बचेंगे हम वो आंसर्स को शेयर करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है? तो लेसन 1 आप पूरा पूरी याद करें, आगे पीछे अंदर एवरीवेयर, ठीक है? लास्ट का 1 मिनट बचा है, मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी. आराध्य वर्मा अपने आप को म्यूट करो प्लीज. आदित्य कुमार मिश्रा अनम्यूट करो फटाफट. यस मैम. ओके. यस मैम. नेम अ बर्ड विथ स्टिकी बीक. मैम सैलो. सैलो. ओके नाउ लेट
I'm finding one boy with fire free boy and who is it? Unmute कर अपने आप को. किसका नाम है? कौन है ये? Who is it? कौन है ये? कौन बच्चा है? फ्री फायर का. नाम बताओ. फ्री फायर बॉय कौन है? Who is it? फ्री फायर बॉय कौन है? जय मिश्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी भी हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम लोग कर सकते हैं. ओके अंशराज. अंशराज,